हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट और ऐसा है जितने भी, जिसमें राजस्थान जीके आएगी दोस्तों, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इन ट्रिकों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करनी है और कितनी याद हो जाएगी आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जो अपना पशु संपदा है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार सीधे देते हैं कि ये नस्ल किसकी है, भैंस की है, गाय की है। तो हम दोस्तों सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ऐसे वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम आज गाय की और ऊँट की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बकरी की, फिर भैंस की, फिर भेड़ की, इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं गाय की नस्लों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो अपनी ट्रिक है गोवंश की, उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि गोवंश में कौन कौन सी नस्लें आती है। तो कौन कौन सी नस्लें आती है, गाय की प्रमुख नस्लों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को याद कर लेना, आपको पूरी गाय की नस्लों के बारे में कोई सा भी दे देंगे तो फिर आप बता दोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हरी मेव की गायों का सारा माल गिरना था। इजी ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है कि हरी मेव की गायों का सारा माल गिरना था। तो दोस्तों इसको याद कर लेना, तो आपको पूरी गाय वंश में जितनी अपने राजस्थान में पड़ती है गोवंश, उन सभी को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर पाओगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, देखो 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों इसको, ये शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर आपको आसानी से आंसर देने में सुविधा होगी। तो जैसे हरी मेव की गायों का सारा माल गिरना था, ये हो गई गोवंश की ट्रिक पूरे। तो इसमें याद करना है कि हरी से क्या याद रखोगे, हरी से क्या याद रखोगे, हरियाणवी। कौन सी? हरी से हरियाणवी। मूल उत्पत्ति स्थल इसका दोस्तों रोहतक है और ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी होती है दोस्तों इसकी, ध्यान रखना ये भी। और इसका प्रजनन केंद्र पूछ ले कि इस हरियाणवी गोवंश का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो कुमेर भरतपुर में है, ये भी याद रखना। मेव से याद रखना दोस्तों, मेव से याद रखोगे मेवाती। कौन सी? मेवाती दोस्तों। इसका संबंध या इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मेवात क्षेत्र। नाम से ही पता चल जाता है कि मेवात क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो गई मेवाती। फिर है दोस्तों गायों से याद रखना कि ये गायों की ट्रिक है दोस्तों, या गायों की नस्ल है, ठीक है। कहाँ से याद रखना दोस्तों? कांकरेज। कौन सी? कहाँ से याद रखना? कांकरेज। ये गोवंश, इसके मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है दोस्तों? मूल उत्पत्ति स्थल पूछ ले कि कांकरेज गोवंश का मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो आप बताओगे कि गुजरात का जो कच्छ रण है वो सबसे भारी नस्ल है, ये यहाँ की सबसे भारी नस्ल है दोस्तों, ठीक है। फिर सांचोरी याद रखना दोस्तों, सांचोरी। कौन सी? सांचोरी याद रखना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सांचोरी, सांचे याद रखना सांचोरी। और रा से याद रखना दोस्तों राठी। कौन सी याद रखोगे? राठी। राठी के बारे में बताऊँ आपको दोस्त, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है। कौन सी? राठी नस्ल है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है और ये सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी ये जानी जाती है दोस्तों। लाल सिंधी साहिवाल गायों की मुद्रित नस्ल है, ओके। ये हो गई इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। माल से याद रखना दोस्तों, सारा माल, माल से याद रखना मालवी या मालाणी। कौन सी? मालवी और मालाणी, दोनों याद रखना दोस्तों। माल से, गिर से दोस्तों याद रखना, गिर से हो जाएगी गिर। कौन सी? गिर से गिर हो जाएगी, जिसे हम रेंडा, अजमेरा, ये गोवंश इसी के नाम से जानते हैं। गिर को क्या क्या, रेंडा भी बोलते हैं, अजमेरा गोवंश भी बोलते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थल भी पूछे तो वो गुजरात के अंदर है और वो भी सौराष्ट्र में, ठीक है। ना से याद रखना दोस्तों, नागौरी। कौन सी? नागौरी। इसकी मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ना से नागौरी हो गई, तो नागौर में इसका मूल उत्पत्ति स्थल है दोस्तों। और था से याद रखना दोस्तों, थार पाकर। कौन सी? थार पाकर, इसका दूसरा नाम है ये मालाणी,
क्या है थार पाकर का दूसरा नाम? मलाणी। तो ये हो गई दोस्तों इसका मूल उत्पत्ति स्थल, पूछ ले कि इसका मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो वो कहाँ है? मालाणी गांव बाड़मेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई गाय की नस्लों की ट्रिक। हम कल ऊँट की पढ़ेंगे, बहुत छोटी है वो भी, आसानी से याद हो जाएगी आपको। तो आज की गायों की ट्रिक के बारे में हमने पढ़ लिया कि गाय में कौन कौन सी नस्लें हैं, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हूँ मैंने आपको। और अब पहले वाले भी वीडियो ज़रूर देख ले दोस्तों, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।